नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं आज जगत की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने की सालाना बोनस की घोषणा। बोनस की रकम 2 साल से है बकाया। कर्मचारियों को अब मिलेगा 7वें वेतन आयोग के तहत बोनस। तेलंगाना विधानसभा में जीएसटी पर लगी मुहर। जीएसटी पर 9 सरकार पहले ही दे चुकी है मंजूरी। दुनिया के 150 देशों में जीएसटी का होता है पालन। भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज पर सरकार सख्त। नियम का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा और 50 लाख जुर्माने का होगा प्रावधान। पहली बार उल्लंघन करने पर लगेगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली एनसीआर में डीजल वाहन प्रतिबंध से ऑटो इंडस्ट्री को हुआ बड़ा नुकसान। ऑटो इंडस्ट्री को 8 महीने में करीब 4000 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता के डीजल वाहनों की बिक्री पर है प्रतिबंध। मोदी ने किया सावनी परियोजना का शुभारंभ। योजना के तहत सौराष्ट्र में सिंचाई और पेयजल की कमी को दूर करने का है उद्देश्य। 10 बांधों को नर्मदा के पानी से भरा जाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार की हलचल पर। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 440.35 अंकों की तेजी के साथ 28,343 के पास बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में सेंसेक्स ने 28,478 के ऊपरी और 38,011 के निचले स्तर को छुआ। निफ्टी में आज 137 अंकों की मजबूती देखी गई। 137 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी करीब 8,744 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में निफ्टी ने 8,751 के ऊपरी और 8,642 के निचले स्तर को छुआ। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों की बात करें तो आज इनमें भी मजबूती देखने को मिली। मिड कैप 104 अंकों की तेजी के साथ 13,168 पर बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप करीब 127 अंकों की तेजी के साथ 12,626 पर बंद हुआ। बीएसई के 18 सेक्टरों में आज बढ़त देखी गई, जबकि एक सेक्टर दूरसंचार में गिरावट दर्ज की गई। अजगत की खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।